चलिए तो हम लोग आज बात करते हैं चेल्सी वर्सेस वुल्व्स की मैच की। जो चेल्सी वर्सेस वुल्व्स की मैच था राउंड अबाउट मॉलिनिक स्टेडियम पे शेड्यूल था, मॉलिनिक स्टेडियम पे खेला जा रहा था, जो कि चेल्सी के लिए एक अवे मैच था। तो चेल्सी के अगर हिस्ट्री देखी जाए तो चेल्सी इसके पहले शेफील्ड को हरा के आई थी 2 गोल से, पामर और जैक्सन ने गोल मारे हुए थे। उसके बाद न्यूकासल में गई, न्यूकासल में हमने 1-1 से ड्रॉ किया, उसके बाद जो पेनल्टीज में जाके पेट्रोविच ने बचाया हमें। तो अब उसके बाद ये जो हम मैच के अगर उसके पहले की बात की जाए, जो पॉइंट्स टेबल पे देखी जाए, तो वुल्व्स वाज देयर ऑन 14th एंड चेल्सी वाज देयर ऑन 10th। तो यार अब चेल्सी से मतलब क्या उम्मीदें कर सकते हैं भाई, चेल्सी से इतना तो उम्मीद कर सकते ना भाई कि जो टीम 14th पे बैठी हुई है उसको हम हरा दे, हरा इतना तो है ना कि हरा के आए भाई उस टीम को। इतना टेबल के हिसाब से भी वो बहुत पीछे हैं हमसे। अब देखा जाए कवे फिक्सर है वुल्स पर, ठीक है इतना इजी नहीं है मॉलिनेक्स पे खेलना वुल्स के साथ जाके। वुल्स इज अ प्रीटी बड़ी टफ टीम टू प्ले अगेंस्ट, वहां पे मैनचेस्टर सिटी गई थी और हार के आई थी। तो होता है बट ऐसे होता है। अब चलिए परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो फर्स्ट हाफ में देखा जाए तो ठीक है चेल्सी का ठीक था, चांसेस क्रिएट किया था उन्होंने और ठीक है ज्यादा बॉल्स नहीं थे उनके पास, वुल्व्स के पास 5-10 मिनट अच्छा खेला था उन्होंने। पर अब सेकेंड हाफ में देखिए जो गोल्स खाए हैं हमने सेट पीसेस से खाए हैं भाई हमने गोल्स, दे हैव स्कोर्ड फ्रॉम सेट पीसेस। और सेट पीसेस से गोल हम कब से खा रहे हैं भाई, कब से खा रहे हैं गोल्स, इसके पहले भी खाए हुए हैं हमने गोल्स, इसके पहले वाले मैचेस में भी खाए हुए हैं। और सेट पीसेस मतलब क्या है, ऐसा क्या रॉकेट साइंस है क्या ये, मतलब रॉकेट साइंस जैसा कुछ है कि मतलब अब सिखा नहीं पा रहे पोचेटिनो उनको कि सेट पीसेस डिफेंड कैसे करते हैं। मारियो लेमिना ने वहां पे गोल का स्कोर कर दिया। और चेल्सी के चांसेस की बात करें तो चेल्सी के पास जो चांसेस आए, स्टर्लिंग को देखिए, स्टर्लिंग गए 3-on-1 अगेंस्ट गोलकीपर, व्हाट ही डज rather than passing the ball to the other person, he takes on the ball and he shoots the ball to the goalkeeper. Really? And इसका पहले भी कर चुका है भाई वो ऐसे कि उन्होंने बॉल लिया और सीधा गोलकीपर पे शूट कर दिया। इसके पहले भी बोसमत वाले मैच में भी उन्होंने ये किया हुआ था। तो ये क्या कर रहे हैं भाई स्टर्लिंग, और स्टर्लिंग को कैसे हम लेके आए हैं भाई, हम लाए मैनचेस्टर सिटी से बहुत पैसा दे रहे हैं भाई। He was on 300 pounds, more than 300 pounds per week. And when you get that kind of money, you need to perform. Where is your performance? Where is your fucking performance? Really? क्या कर रहे हैं आप, मतलब आप जिस तरीके से खेल रहे हैं मैनचेस्टर सिटी के लाइनअप में आप नहीं आ पाएंगे भाई, नहीं खेल पाएंगे उनके टॉप लाइनअप में। वहां पर ग्रिलिस भी स्ट्रगल कर रहे हैं डोकू के अगेंस्ट, ये क्या है भाई। और दूसरी बात की बात करें जैक्सन की, जैक्सन मिसिंग चांसेस, चांसेस आफ्टर चांसेस भाई, इससे क्रिमिनल नाउ। और क्या इसके पहले उनका एक ऑलरेडी कंट्रोवर्सी आ चुका है, ओनली फैंस मॉडल्स को वो न्यूड पिक्स मांग रहे थे, मतलब नंगी नंगी फोटो मांग रहा था उनसे भाई। ये क्या है भाई, You should have something dignity नाम की भी कोई चीज होती है आप किसी से बात कर रहे हैं तो। आप अरे आपको न्यूड फोटोज चाहिए तो जाइए खरीदिए ना भाई, ओनली फैंस है उनका अकाउंट, जाइए खरीदिए, पैसा है आपके पास, ये कौन सा तरीका है भाई। When you talk to someone and you are asking for nude photos, that's where this thing is. और भाई और बात की जाए, और भी चांसेस की बात की जाए तो उसमें ये हुआ एंड में उनकुकू फिर आए, उनकुकू को एक चांस मिला था जो कि गोल लाइन क्लियरेंस हो गया, वो ऑलमोस्ट गोल था और उनकुकू ने एक गोल स्कोर कर दिया। और चलिए एक पॉजिटिव है कि उनकुकू आए गोल स्कोर किया, उनकुकू लुक वेरी डिफरेंट और वो हमारी क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। बट हमारे फॉरवर्ड्स की बात की जाए, क्या फॉरवर्ड्स हैं भाई, लुक एट दिस ब्लडी फॉरवर्ड्स, दिस ब्रोजा जैक्सन, रियली लाइक मतलब इतने सारे फॉरवर्ड्स हैं हमारे पास और अब क्या कर रहे हैं भाई। और मतलब लोग बोलना चाहिए हमको जाना पड़ेगा मार्केट में जाके खरीदना पड़ेगा नए फॉरवर्ड्स, और क्यों खरीदना पड़ेगा भाई, ऑलरेडी इतने सारे डेविड टैटर फुफाना भी है आपके लोन पे बैठे हुए हैं, तो फिर
इवन टोनी के लिए आप जाएंगे, पैसा प्ले करेंगे? आपने 1 बिलियन खर्च किया है, 1 बिलियन, यू हैव ऑलरेडी स्पेंट 1 बिलियन ऑलमोस्ट इन 1 and 2 years मान लीजिए, चलिए 2 साल मान लीजिए, उसके बाद आपकी क्या परफॉर्मेंस? मिड टेबल बैठे हैं भाई, मिड टेबल रियली ऑन 10th, और वो भी हम 9th से बहुत पीछे हैं। 9th में हम चले भी नहीं जाएंगे भाई, हमको कम से कम 2-3 मैच लगातार जीता पड़े तब जाके हम 9th में आएंगे। मतलब वी आर जस्ट बेयरली सिटिंग ऑन देयर, जस्ट हैंगिंग इन देयर। कहाँ है भाई ये क्लब, किस तरीके कहाँ जा रहा है ये? और देखिए, और बात चलिए बात करते तो ओनरशिप के बारे में बात करते हैं। ओनरशिप जो था, रोमन अब्रामोविच गए, टॉड बोली आए, टॉड बोली ने सबसे पहले सबको फायर कर दिया। चलो बात समझ में आता है कि आप एक नए रिजीम है, आपको नए लोग चाहिए, अब आप पुराने लोगों पर ट्रस्ट नहीं करेंगे। और भाई एक प्लान होता है, अब प्लान क्या बना के लेके आए कि एक सबसे पहली बात तो आपने फायर क्यों किया पुराने लोगों को, जब आपको नई टीम मिल नहीं रही थी, आपको पता था नई टीम में टाइम बने तो पुराने लोगों से खेलते हैं भाई, पुराने लोगों को ऑलरेडी यूज करते हैं, उसके बाद फायर करते हैं, कुछ दिन बाद फायर करते हैं। आईटी कंपनीज में भी तो होती है आजकल भाई, पुराने टीमों से भी काम किया जाता है। देन ही गॉट अ न्यू टीम, अब ना उन्होंने स्काउट किए प्लेयर्स लाइक कुकरेला, काइसेडो, ये लोग, खैर काइसेडो तो खेले भी नहीं थे, पर दूसरे प्लेयर्स की बात की जाए, देयर अदर प्लेयर्स, जैक्सन आए हैं, ये लोग आए हैं, पर रियली एक क्वेश्चन ये उठता है कि ये लोग फिट भी हैं? मतलब चेल्सी फुटबॉल क्लब, चेल्सी फुटबॉल क्लब डजंट सिट ऑन 10th, दिस इज द सेकंड ईयर यार, ऐसा कभी नहीं होता है, 10th में बैठे हुए हैं हम यार, रियली 10th पे, चेल्सी मींस विनिंग, और ये कौन सा प्रोजेक्ट बोलते रहते हैं हमेशा, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज अ प्रोसेस, देयर इज नो फॉरगेट प्रोसेस, वी नीड टू विन, विन दैट्स देयर, वी नीड टू विन, जस्ट विनिंग, विनिंग इज द प्रोसेस, once you win you get the confidence, आप तो goal score नहीं कर पा रहे भाई, you need to put the ball on the back of the net, that's a simple thing, Pochettino training में पता नहीं क्या कर रहे हैं, पता नहीं क्या सिखा रहे हैं लोगों को, कौन सा training दे रहे हैं, he doesn't have, वो कोई rocket science बता रहे हैं क्या, पता नहीं कि ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है उनको समझ में नहीं आ रहा है, कि set pieces वो defend नहीं कर रहे हैं, सेट पीस सिखा नहीं पा रहे, गोल स्कोर करना पता नहीं, गोल स्कोर नहीं कर पा रहे हैं, पोचेटिनो के लिए बात करना पड़ेगा भाई, अब हाफ ए सीजन हो गया और हम 10th पे बैठे हुए हैं, ये दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल बाय चेल्सी। अब जो बातें हो रही है कि ओनर स्टैंड ही नहीं कर सकते एक स्ट्रॉन्ग कोच के तरफ, जिसकी अपनी ओपिनियन हो, इसलिए पोचेटिनो को लाया गया है, जो स्टोरीज तो यही है कि पोचेटिनो हैज देयर जस्ट बिकॉज ही इज जस्ट ए फकिंग यस मैन, this is come on man, show some passion for the club, ये क्या defending भी हम samus में, हमारा हमारी defending अच्छी है ना, हम attack अच्छे कर पा रहे हैं, goals पे goals खाए जा रहे हैं, goals पे goals, goals हमसे हो नहीं पाती है, pass हम करते नहीं है आगे जाके, मतलब क्या है यार ये, आप ये मैच तो जीतना चाहिए भाई वुल्स के अगेंस्ट, अब आप वुल्स के अगेंस्ट ही नहीं जीत पा रहे हैं भाई, मतलब लगातार 2 मैच प्रीमियर लीग के कब जीते था आपने, पॉटर के टाइम पे आया था एक विन, वो भी बहुत मुश्किल से भाई, ये क्या है यार, मतलब चेल्सी फुटबॉल क्लब सपोर्ट करती है, जो लोग बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज भी सपोर्ट करते हैं दिस क्लब, वी चलो मान लेते कि हमारा कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है, बट रिसेंट पास वी हैव डन वेल, वी हैव वॉन 2 चैंपियंस लीग, उसके पहले हमने प्रीमियर लीग भी जीता हुआ था विद मोरिनो, और बात की जाए जो सेकंड सीजन में थे, हमने रोमन अब्रामोविच के सेकंड सीजन में हम सेकंड फिनिश किया था,